नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। मेरा चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो का बारे में बात करने चाहता है वो वीडियो है 1615 कमिंग्स VS4 इंजन और असेंबली फुल चेसिस का विभिन्न पार्ट। दोस्तों, ये वीडियो टी देखेगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज व पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज जो वीडियो के बारे में बात करने चाहता है वो है 1615 कमिंग्स VS4। 1615 का मतलब क्या है? 16 का मतलब है 16 टन लोड कैपेसिटी और 15 का मतलब है 150 हॉर्स पावर। ये आप लोग को देखना है 1615 कमिंग्स VS4 कैसे होता है देखने में। देखिए, सामने में लिखा हुआ है सादा रंग का, ऊपर में काला रंग का टाटा। अभी देखिए जो गाड़ी का ऊपर में, पहले तो हम लोग चैसिस देखा था, अभी उसमें कंप्लीट गाड़ी बने हुए देखा, दिखाई दे रहा है। लोगो है 1615 कमिंग्स लिखा हुआ, ठीक उसका नीचे में देखिए VS4 लिखा हुआ है। ये है काउल है, सामने फ्रंट पोजीशन है। ये 1615 है, इसमें 24 वाल्व का इंजन है। देखिए, अभी सामने फ्रंट पोजीशन का अभी ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है। ये मीटर बोर्ड है, ये देखिए अभी चाबी ऑन किया है, अभी मीटर ऑन ऑफ हो रहा, ऊपर में जा रहा नीचे आ रहा दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसमें है एयर मीटर, किलोमीटर, टेम्परेचर मीटर, सब कुछ है। ऑयल मीटर, फ्यूल मीटर सभी रहता है, ठीक है। इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, मीटर देखे चाबी देखे ऑन किया। अब इसका देखिए ठीक साइड में, ऊपर में देखिए ईमेल लाइट है, एडजस्ट ब्रेक का लाइट है, वो फोर इंडिकेटर है, ABS है। इसका देखिए ये हाथ से टिप रहा है, जो सबुज रंग का है लो है और रेड रंग का है वो हाई है, लो गियर हाई गियर का। इसके बाद देखें ऑक्सिलरी टैंक का जो मीटर है, जिसमें ऑक्स 32 ऑयल जो आप लोग का तेल बोलते हैं वो रहता है। अभी देखिए ये है सिलेंडर हेड कवर, जिसको आप लोग टैपिट कवर बोलता है। ये टैपिट कवर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, वो काला रंग का जो दिखाई दे रहा टैपिट कवर बना, उसमें ऑयल कैप है, वहाँ से हम लोग इंजन ऑयल डाला जाता है। अभी आपको दिखाई दे फैन साउट है, देखिए पंखा है, इसका सामने विस्कास है। अभी है आपको दिखाई दे इंग्लेट बोर्ड का कवर है, इंग्लैंड पुल मेरे पुल का है। ये देखिए हाई प्रेशर लाइन रेल है, एक कॉमन रेल लगा हुआ, हाई प्रेशर लाइन लगा हुआ देखिए। अब थोड़ा से बढ़िया से देखिए समझ में, देखिए हाई प्रेशर लाइन जो नोजल लगा, जिसको इंजेक्टर बोला जाता है, उसमें सब कपलर है। ये देखिए आपको रेल का सेंसर दिखाई दिया, रेल का सेंसर है ये काला रंग का। अभी देखिए 1 2 3 देखिए सब नोजल का जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसी का कपलर सब दिखाई दे रहा है। ये हाई प्रेशर पाइप है। अभी देखिए ये देखिए हाई प्रेशर लाइन में बीच में है जो इलेक्ट्रिक लाइन है। अभी आपको दिखाई दे रहा है इंग्लेट पोर्ट जो है, इंग्लेट पोर्ट जो का है उसका कवर है दिखाई दे रहा है। उसके पास में सेंसर लगा हुआ, एक फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर के ऊपर से 2 पाइप गया हुआ देखिए, वो जाके जो हाई प्रेशर पम्प है वो पम्प में लगा हुआ देखिए, और पम्प से 2 पाइप आया हुआ है जो कॉमन रेल में गया है, वहाँ से कॉमन रेल होकर इंजेक्टर में जो नोजल में तेल जाता है। आप लोग थोड़ा आराम से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये पुल इंजन इधर में आपको दिखाई दे रहा, और मैनिफोल्ड है, एक कूलेंट लाइन है, मैनिफोल्ड का टाइपिट कर साइड में कूलेंट का पाइप है, कूलेंट लाइन है। देखिए आपको डायना साइड में जो मैनिफोल्ड लगा हुआ है, और जो गियर लीवर है, गियर लीवर दिखाई दे रहा आपको, उसका नीचे में देखिए टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर के ऊपर में ऑयल पाइप है, ये मोटा वाला जो इंटरकूलर पाइप है जहाँ से टर्बो से ठंडा हवा जाता, हवा जो जाता है वो इंटरकूलर हो गया और इंजन में तक। ये रह गया गियर बॉक्स का लिमिट, कौन गियर कितना स्पीड में गाड़ी चलेगा वो देखिए प्रॉपर दिया हुआ है। ये रह गया आपको पावर स्टीयरिंग पम्प जो है एयर कंप्रेसर का साथ में फिटिंग रहता है, एक कमिंस गाड़ी में सेफ रहता है जो पावर स्टीयरिंग पम्प एयर कंप्रेसर। ये देखिए कूलेंट सिस्टम, एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर हेड इसका हवा बनाता है, हवा बना के एयर टैंक में जाता है, एयर टैंक से विभिन्न चाका में जाता है। ये है इश्यू, कमिंस गाड़ी फर्स्ट बार नया इश्यू लगता है ये, पहले इसका पहले कोई कमिंस गाड़ी में नहीं है। देखिए अभी जो VS4 कमिंस गाड़ी है उसमें इश्यू आता है, देखिए इश्यू का कवलर है जो लगा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
अगर आप लोग को अच्छा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब हमारा बोलना बेकार हो जाएगा ना, इसीलिए आप लोग को भी समझना चाहिए। देखिए फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर से जो पाइप गया हुआ हाई प्रेशर पम्प में गया हुआ देखिए, और वहाँ से होकर रेल में गया पाइप, हम देखा रहा। ये इंजन साइड का मीटर है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये है हाई प्रेशर पम्प कमिंस गाड़ी का, अभी BS4 में, कमिंस BS4 में अभी नया मॉडल, उसके पास में देखिए सेंसर लगा हुआ, पाइप सब दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये देखिए नोजल है, रेल का पास में देखिए, रेल का जो पाइप गया हुआ सब नोजल माने इंजेक्टर में गया हुआ देखिए, साइड से दिखाई दे रहा। इंजेक्टर रहता है सिलेंडर हेड कवर का अंदर में ही रहता है इसका इंजेक्टर। अरे जो देखा इधर एक कवर देखा इधर, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, इसका हर नजल में इलेक्ट्रिक सिस्टम है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइन है इसमें। ये है आपको जो टार्बो चार्जर हो के इंटरकूलर के जो एयर आता है उसका एयर सेंसर है। ये रह गया एक्सेलेटर पैडल, कामिंस गाड़ी BS4 में पहले बार, सबसे पहले बार जो एक्सेलेटर पैडल दिया जाता है, देखिए एक्सेलेटर पैडल है, एक्सेलेटर पैडल है, उसका बगल में देखिए सेंसर लगा हुआ है। अभी ये रहा ब्रेक पैडल, ब्रेक पैडल तो आपको पहले भी जैसे था अभी भी वैसे ही है। ये रह गया क्लच पैडल है, देखिए क्लच पैडल ऊपर में मास्टर सिलेंडर, उसका नीचे में देखिए वो सेंसर है, वो स्विच तो दिखाई दे रहा आप लोगों को सेंसर। ये देखिए कंटेनर है जिसमें ब्रेकल रहता है, ब्रेकल कंटेनर है, इसमें ब्रेकल डाला जाता है। अरे ब्रेक पैडल का नीचे लगा हुआ है सार्वो, जिसको आप लोग बोलता है, या ड्यूल ब्रेक वाल्व उसको सार्वो बोलता है, वो लगा हुआ है उसके नीचे में, इसको पुश करने से हवा रिलीज होता है। ये आपको एक्सेलेटर पैडल पहले ही देखा है। ये हैंड ब्रेक हर गाड़ी में जरूरी है, हैंड ब्रेक कोई जगह पार्किंग करे, कोई जगह ड्राइवर उतर के कुछ जगह हैंड ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, इसको बोला जाता है हैंड ब्रेक। ये आपको जो एयर कंप्रेसर पहले भी बताया, कूलेंट सिस्टम है एयर कंप्रेसर, दोस्तों देखिए ठीक से, एक कंप्रेसर जो है एयर कंप्रेसर, इसमें कूलेंट रहता है, कूलेंट ऑयल दोनों यूज होता है इसमें, एयर कंप्रेसर है। ये इश्यू पहले ही बताया इश्यू है, ये है इंजन का इश्यू है, इससे सब कुछ इलेक्ट्रिक कंट्रोल होता है, एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर का देखिए नीचे में पावर स्टीयरिंग पम्प है। काहे के लिए हम एक ही चीज़ बार बार देखा रहा, इसलिए आप लोग को जो समझ में आ जाए इसलिए देखा रहा। आप सोचेगा तो हमको एक ही चीज़ बार बार क्यों देखा रहा, इसलिए देखा रहा जो आप लोग को समझ में आ जाए, जनरल नॉलेज होना चाहिए का एक गाड़ी का इंजन का पास में क्या क्या लगा रहता है। अगर कोई आदमी पूछे ये चीज़ कहाँ है, जो बोले हमको मालूम नहीं, देखा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है। ये है फ्यूल फिल्टर, देखिए कमिंस गाड़ी BS4 में फ्यूल फिल्टर कहाँ लगा रहता है, बाएं साइड में लगा रहता है, लेफ्ट साइड में लगा रहता है फ्यूल फिल्टर। ये है ऑक्जुलरी टैंक, जिसको हम बोला बोला था थोड़ा पहले, जो ये गाड़ी में जो ऑक्जुलरी टैंक लगता है, उसको ऑक्जुलरी टैंक का ऊपर में एक तो यूनिट रहता है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये कंट्रोल, और ये है ऑक्जुलरी टैंक, इसमें 35 लीटर ऑयल लगता है, और वो जो उसमें हवा का कंट्रोल है, इसीलिए देखो वो फिल्टर है वहाँ दिखाई दे रहा है, उसका पास में छोटा है सादा रंग का जो फिल्टर है। अभी इसके पीछे से एयर पाइप लगा हुआ देखिए, कंट्रोल यूनिट का पीछे से सब एयर पाइप सेंसर लगा हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा आराम से, देखिए थोड़ा, एक दो जो दो सेंसर दो पाइप लगा हुआ एयर पाइप है, यह है कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, ऑक्स 32 का कंट्रोल यूनिट है ये। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये जो आपको ऑक्जिलरी टैंक में जो हम लोग को जिसको आप लोग बोलता है ऑक्स 32, ये 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो 3 से 4 लीटर लगता है ये तेल टू ऑयल। देखिए इसका टैंक है, इसका बगल में ही है इसका टैंक जिसमें हम लोग डालता है। देखिए ये है ऑक्जिलरी टैंक है,
ऑक्सिलरी टैंक का ठीक ऊपर में फिटिंग रहता है। अब ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है जो साइलेंसर है, जिसको मैनिपुल बोलता है, उसमें सेंसर लगा रहता है जो, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें भी ये रहता है, यह रहता है पाइप। देखिए ये उसका इश्यू है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल इश्यू है जो ऑक्स 32 को जो। हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए पीछे वाला ये है डायफ्राम, उसके बाद देखिए ब्रेक एक्चुएटर इसको बोला जाता है। ये देखिए कैम, उसका व्हील, उसके बाद देखिए पीछे का डिफेंशियल, ये देखिए ब्रेक रेचर है, ब्रेक रेचर जो ब्रेक्स लग एडजस्टर बोला जाता है। डायफ्राम का दो पाइप है, एयर पाइप, एक तो हैंड ब्रेक का है, एक तो चाका का ब्रेक है। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो टी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। और भी अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।